दोस्तों, ये जो टेस्ला कॉइल आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल। यहाँ पर एक डब्बा लिया हूँ तो इसके ऊपर ये मेरा एल्यूमिनियम फॉइल देने का मतलब ये है कि ये कैपेसिटेंस इफेक्ट तैयार करेगा। और ये है मेरा टेस्ला कॉइल का जो माथे का मेन आउटपुट है, ये है मेन ये, और ये मेरा ग्राउंड वायर है जो मैं ग्राउंड में लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा तो यहाँ से दोस्तों स्पार्क दिखाई देगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये मैं हाथ लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, और जाहिर सी बात है मैं इसको दोस्तों पूरा ट्रस से बंद करता हूँ। मैं दोस्तों इसको बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, सच में बहुत ही मेहनत लगा है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना मेहनत नहीं लगेगा अगर आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देते हो तो, ठीक है। तो इसको बनाने में दोस्तों इतना मेहनत लगा है मैं क्या बोलता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ है इसका दोस्तों, जितना भी पार्ट्स है मैं दोस्तों उतना भी वो सारे पार्ट्स मैं दोस्तों कलेक्ट किया है, मैं एक भी पार्ट्स मेरा पॉकेट से नहीं खरीदा हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ला कॉइल का यही खास बात है, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये करीब मेरे को बनाने में दोस्तों छोटा छोटा करके कंपोनेंट करके मेरे को बनाने में करीब 2 हफ्ते का मेरे को वक्त लगा, ठीक है। बहुत सारा रिसर्च किया इसके ऊपर, बहुत फेल हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद दोस्तों ये मेरा तैयार हुआ है। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा मेरा 2 हफ्ते का पूरा कारी मेहनत को मैं आज आप लोग दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी चलिए टेस्ट करते हैं पूरा अंधेरे घर में। तो ऑन कर रहा हूँ मैं टेस्ला कॉइल को, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए मैं हाथ को लेके आता हूँ, ये तो दोस्तों अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो टेस्ला कॉइल है इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ला कॉइल है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल, और इसका पूरा सर्किट मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों जनरली जो आप लोग ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो में देखते हो वो असल में दोस्तों स्लेयर एक्साइटर टेस्ला कॉइल है। तो स्लेयर एक्साइटर इसलिए बोला जाता है कि जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है जहाँ पर मेरा हाई वोल्टेज आता है वही दोस्तों ट्रांजिस्टर के गेट को कंट्रोल करने में काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये मेरा है स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल। दोस्तों स्लेयर एक्साइटर टेस्ला कॉइल और स्पार्क गैप के अंदर डिविजन ये होता है कि स्लेयर एक्साइटर में आप जितना भी इनपुट बढ़ा दीजिए आपका आउटपुट फिक्स रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेरे इनपुट के हिसाब से मेरा आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल असल में एक मेन टेस्ला कॉइल है जो निकोला के टेस्ला ने दिया था, और स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल ही हमेशा यूज़ होता है हाई वोल्टेज तैयार करने में। तो दोस्तों हम लोग पहले जान लेते हैं कि हमारा जो टेस्ला कॉइल का जो मेन स्टैंड है वो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पिक्चर में आप जो चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को वो उसमें क्या है कि दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पीवीसी पाइप लिया है, ठीक है। और पीवीसी पाइप के ऊपर ये साइड में जैसे जिस टाइप से मैंने वाइंडिंग को बांधा है इस टाइप से आपको वाइंडिंग बांध के उसके ऊपर इंसुलेशन देना पड़ेगा, और फिर दोस्तों उसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छा इंसुलेशन देना पड़ेगा। अगर आपके पास बार्निश है दोस्तों तो आप लोग वहाँ पर बार्निश दे दीजिए। मेरे पास कुछ बार्निश नहीं था तो मैंने दोस्तों टेप से पूरा इंसुलेशन किया है। तो ये इंसुलेशन इसलिए मैंडेटरी है कि इंसुलेशन जब अगर आप नहीं करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि साइड से आपका कोरोना डिस्चार्ज होता रहेगा।
तो यहाँ पर मैंने आपको जो कोर लेना है वो होगा दोस्तों एयर कोर। आपको दोस्तों कोई भी फेरिट कोर नहीं लेना है, सिर्फ एयर कोर होगा, टेस्ला कोयल एयर कोर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पाइप के ऊपर आपको इस टाइप से वाइंडिंग करना है। वाइंडिंग करने के बाद आपका जो मेन टेस्ला कोयल का हेड है वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको वाइंडिंग करने के बाद टेस्ला कॉल कुछ इस टाइप का दिखेगा, और जो इसका हेड है, इसके हेड के ऊपर देखिए मैंने एक हीट सिंक लगाया था, ठीक है। आपका अगर आपके पास कुछ बॉल स्टील बॉल होगा तो आप बॉल भी लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये वाला पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो टेस्ला कॉल डिस्चार्ज हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक तांबे का वायर को दोस्तों लगाया था, ठीक है। तो पहले दोस्तों जो मेन चीज़ है ये है हमारा ये वाला सर्किट, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा कि मेन सर्किट है मेरा टेस्ला कॉइल का। ये सर्किट के बिना मेरा टेस्ला कॉइल तैयार नहीं होगा। तो ये सर्किट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग मेरे दोस्तों ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए। तो डिटेल्स में मैं ये सर्किट के बारे में समझा चुका हूँ पहले दो वीडियो में, मेरे दो वीडियो में मैं ये सर्किट के बारे में डिटेल से समझा चुका हूँ क्या है दोस्तों ये सर्किट। ये सर्किट मेरा जो मेन पावर है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक आप किसी भी डब्बा लीजिए, डब्बे के ऊपर जो साइड में मैंने आपको जो चीज़ दिखाया है ये है दोस्तों एक टाइप का एल्यूमिनियम फॉयल। ये एल्यूमिनियम फॉयल आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। आप एल्यूमिनियम फॉयल को एक एक दोस्तों कांची से लेके काट दीजिए, काट के छोटा सा पीस बना लीजिए और उसको अच्छी तरह से अपने डब्बे के ऊपर इस टाइप से मैं जिस टाइप से दोस्तों किया हूँ उस टाइप से करके उसको अच्छी तरह से टेप दे के कवर कर दीजिए। ये क्यों होगा दोस्तों, ये मेनली कैपेसिटेंस के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। और ये इसका फायदा ये होता है कि जो मेरा हाई वोल्टेज है ये असल में सराउंडिंग एयर को ग्राउंड बनाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेस्ला कॉइल का ग्राउंड, ग्राउंड वायर मेरा हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों के ऊपर का जो मेरा कैप है, कैप के ऊपर एक आप किसी भी मैं यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया हूँ। आप किसी भी टुकड़े को लेके उसके ऊपर लगा दीजिए और नीचे से स्क्रू देके टाइट कर दीजिए। ये आप ग्लू देके भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरा टेस्ला कॉइल का जो पाइप है वो यहाँ पर बैठेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नट और बोल्ट और कुछ चीज़ लगता है। तो यहाँ पर मैंने किया है, ये है मेरा स्पार्क गैप, मैंने इससे स्पार्क गैप बनाया है, ठीक है। ये स्पार्क गैप बनाने में इसीलिए मैंने इसको बनाया, ये देखिए मैं इस टाइप से टाइट किया है। और ये जो किया है ये मैंने दोस्तों कागज़ के ऊपर किया है, ठीक है। कागज़ के ऊपर अच्छे से टेप लगा के उसके ऊपर ये किया है। तो मैं क्यों दोस्तों इस ये वाला स्विच के पीछे का जो हिस्सा है उसको क्यों यूज़ किया, क्योंकि दोस्तों वो आसानी से गलेगा नहीं और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हीट सह सकता है। तो ये जो स्पार्क गैप है ये इसका काम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जो प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप स्पार्क गैप को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है मेरा एवरेज स्पार्क गैप का लेंथ, ये सबसे मिनिमम होगा, ये दोस्तों सबसे मैक्सिमम स्पार्क गैप होगा। ये स्पार्क गैप का ही मेन है। और उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों इसको इस टाइप से दोस्तों लगाना है टेस्ला कॉइल को। आप इस टाइप से इसको फिट कर दीजिए और फिट करने के बाद दोस्तों आपका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो दोस्तों पूरा डब्बे के अंदर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं इस टाइप से मैं यहाँ पर कनेक्शन किया हूँ। तो कनेक्शन मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ कि तो जो मेरा आउटपुट हो रहा था, आउटपुट का एक मेरा टेस्ला कॉइल के प्राइमरी में गया और एक दोस्तों स्पार्क गैप में डायरेक्ट मैं शोल्डर कर दिया। और शोल्डर करने के बाद इसका और एक दोस्तों मैं यहाँ पर आउट कनेक्ट किया। दोस्तों कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक सोल्डरिंग करने के बाद आप मेज़र करके स्पार्क को दीजिए। यहाँ पर ध्यान रहेगा दोस्तों, स्पार्क अगर स्पार्क गैप ज़्यादा होगा तो टेस्ला कॉइल का पावर कम घट जाएगा, और अगर स्पार्क कम होगा फिर भी दोस्तों टेस्ला कॉइल का पावर घट जाएगा। तो स्पार्क गैप को आपको स्पार्क का जो गैप है उसको इस टाइप से मेंटेन करना है कि जहाँ पर मेरा टेस्ला कॉइल की जो पावर है वो हमेशा पीक में रहे। तो अब मेज़र कैसे करेंगे, तो आपको उसको चला के मेज़र करना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर मेज़र करके ये वाला लेन दिया हूँ, इसमें मेरा टेस्ला कॉइल सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों ये जो मैंने दोस्तों मेंशन करने के बाद मेरा टेस्ला कॉइल कुछ इस टाइप का दिख रहा है।
तो ये था मेरा टेस्ला कॉइल का मेन सर्किट। अभी दोस्तों ये पूरा सर्किट को मैं डब्बे के अंदर दोस्तों अच्छी तरह से फिट कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको डब्बे के अंदर अच्छी तरह से फिट कर दिया और इंसुलेशन भी मैंने सही से दिया, और देने के बाद दोस्तों मेरा कुछ टेस्ला कॉइल इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो टेस्ला कॉइल का जो ये वाला जो जहाँ पर दोस्तों टेस्ला कॉइल का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका एक वाला पोर्शन मेरा नीचे की एल्यूमिनियम फॉइल से कनेक्ट होगा, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मेरा टेस्ला कॉइल इस टाइप से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, इसके बिना कैपेसिटेंस इफेक्ट तैयार नहीं होगा और हमारा टेस्ला कॉइल का आउटपुट दोस्तों मैक्सिमाइज नहीं होगा, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आप दोस्तों इंजॉय कीजिए आपका टेस्ला कॉइल को, ठीक है। आप यहाँ पर दोस्तों जब भी इसको आप चलाएंगे तब आपको ये बड़ा टेस्ला कॉइल काम करते हुए दिखेगा। तो दोस्तों यही था ये टेस्ला कॉइल की वीडियो में। तो मैं दोस्तों आपको पूरा एकदम डिटेल्स में बोल दिया कि टेस्ला कॉइल है कि कैसे बनाता है स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल। हालांकि दोस्तों इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों यही था मेरा टेस्ला कॉइल। तो ये टेस्ला कॉइल बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहिए कि हाई वोल्टेज कोई खेलने का चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज से आपको कुछ भी हो सकता है, हाई वोल्टेज से कुछ भी रिस्क हो सकता है। दोस्तों ये टेस्ला कॉइल का जो वोल्टेज है वो बहुत ही हाई है, लेकिन उसका एम्पियर बहुत ही कम है, तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन टेस्ला कॉइल का जो प्राइमरी का इनपुट है जहाँ पर मैं हाई वोल्टेज दे रहा हूँ, वहाँ पर अगर आप लोग टच कर देंगे तो आपका तो आप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शौक खाएंगे। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों इस टाइप का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तो फॉर फ्यूचर अपडेट। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।